जेपी आज जिंदा होते तो लालू जी जेल में हैं या नहीं एक अलग सवाल है, लेकिन लालू जेपी आज जिंदा होते तो लालू जी को कब रिटायर करने के लिए जेपी ने कह दिया होता राजनीति से। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें अल्पसंख्यकों को जगह नहीं मिला है, क्या अब उनके राजद भैया अब राजद हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो या भाजपा हो, सब लोगों ने सभी वर्गों को ठगा है। अब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोगों का नाम नहीं है कांग्रेस की सूची में, अब माइनॉरिटी भाइयों के लिए भी असली जगह कहीं है, सत्ता में भागीदारी देने की जगह है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। आधी आबादी को लेकर के बहुत सारे वादे किए जाते रहते हैं, नीतीश कुमार ने आरक्षण, पंचायती राज स्तरीय पंचायती चुनाव में आरक्षण बहुत सारे किए, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को जितना भागीदारी आधी आबादी को मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल पा रही है और इसका असर क्या है? देखिए, भागीदारी देने के लिए नीतीश कुमार जी भी जो कह रहे हैं महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए भागीदारी लोग देते भी हैं, तो पान की दुकान खोलने के लिए भागीदारी है, जो होलसेल की दुकान रहेगी वहाँ खुद उनके जिम्मे वह रहेगा। भागीदारी देनी है तो बिहार के शासन में, बिहार की सरकार में मजबूत भागीदारी दे, तब भागीदारी का मतलब है। लेकिन इन लोगों के मन में ईमानदारी है ही नहीं, सिर्फ उनका वोट लेना है, इसलिए अभी चाहे जेडीयू का मामला हो या राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा था कि हम अति पिछड़ा समाज के लोगों को 33% या 35% भागीदारी देंगे, और दिखावा के लिए संगठन बनाते समय उन्होंने किया भी, लेकिन अभी बतावें, अभी जो टिकट बांट रहे हैं उसमें कोई भागीदारी इन लोगों की ओर से नहीं है।